May I come in, sir? Hi. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please. Thank you, sir. Anand ji. पहले मुलाकात हो चुकी है आनंद जी? यस सर। कॉलेज का भी था ना? यस सर। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपका, ठीक है। मुझे बताइए, जो भाप लाइनें होती हैं, उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं। जो भाप लाइनें होती है ना, इनमें जो पाइप यूज होते हैं जी, काई के पाइप होते हैं? सॉरी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। थर्मोडायनेमिक्स के विषय में बताइए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है सर कि किसी इंजन में हम वर्क कर रहे हैं, यदि हमें अपोजिट साइड हीट वो करनी है, जैसे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ वो करना, तो वर्क हमें करना पड़ेगा सर। ठीक है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ या हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, सेकंड की बात कर रहा हूं सर। अपोजिट साइड वर्क कर रहे हैं तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से क्या समझते हैं आप? सर, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से तात्पर्य ये है कि वो प्रोजेक्ट जो है पूरा नए सिरे से डिजाइन हो रहा है और नए सिरे से ये अपन एस्टैब्लिश कर रहे हैं सर। व्हाट इज पिटिंग? पिटिंग सुना है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ टर्म? मैं माफी चाहूंगा सर। ओके, एनीलिंग, एनीलिंग से क्या समझते हैं? सॉरी सर, इस बारे में। व्हाट इज कपलिंग? कपलिंग सर दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए यूज होता है, और जैसे कि हमें एनर्जी ट्रांसफर करना है, पावर ट्रांसफर करना है कहीं, तो जनरली इसके लिए यूज होता है सर कपलिंग। ठीक है, आप मंडला के हैं, मुझे ये बताइए कि स्प्राइब्स इसके डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है? यस सर, सबसे पहला तो सर ग्राउंड लेवल का जो एग्जांपल दूं कि अभी जो मोटे अनाज को लेके मिलेट ईयर चल रहा है, तो ट्राइब्स जो है सर मोटे अनाज का उत्पादन पारंपरिक स्तर से करती रही हैं, तो इसमें ये योगदान दे सकती हैं सर। और दूसरा सर, जो वनों के संरक्षण में या वन उत्पाद में जो है अपना योगदान, डेवलपमेंट अगर हम देखें कि थोड़ा आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है सर? तो उनके ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज हम कर सकते हैं कमर्शियल स्तर पर सर, पर उसमें ये ध्यान रखना होगा सर कि उनके ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज हम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट जो है उनको भी मिले सर। जैसे आप देखो कि हस्तशिल्प जो है गवर्नमेंट जिसको बड़ा प्रमोट कर रही है ना, और जनजाति जैसे बांस से बने प्रोडक्ट है, कई प्रोडक्ट्स जो ट्राइब्स में बनते हैं जिनकी नक्काशी हम कह सकते हैं कि बड़ी सुंदर रहती है, फॉरेन में डिमांड है इनकी, है ना, और इनको हम प्रमोट कर सकते हैं इस तरीके के कुछ आइडियाज आप लाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मंडला में क्या है नेशनल पार्क अभयारण्य? क्या है सर? कान्हा नेशनल पार्क है। किस सन में स्थापित हुआ सर? ये 1933 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया था और 1995 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया सर। कौन कौन से जीव जंतु हैं वहाँ? सर सबसे प्रमुख बात करूँ तो बारह शिंगा है जो वहाँ की शान है, फिर इसमें बाघ, चीतल, मोर, सांभर और विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य में क्या अंतर होता है? सर दोनों में जो है प्रोटेक्शन के लेके अंतर होता है, और इनकी जो स्थापना है अलग अलग उद्देश्य के लिए की जाती है सर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो स्थापना है वो वहाँ के विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए की जाती है, और नेशनल पार्क में सर पूरे एरिया को प्रोटेक्शन दिया जाता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ मानव गतिविधियों की अनुमति होती है और नेशनल पार्क में सर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। मंडला किस जाति की बहुलता है? सर गौंड जनजाति। गौंड कौन सा प्रमुख नृत्य है गौंड जाति का? सर कर्मा और शैला। कर्मा किस मौके पर किया जाता है? सर कर्मा जनरली जो है फसल कटाई के बाद किया जाता है। और शैला? शैला सर इसके लिए कोई विशेष ओकेजन नहीं चाहिए, जनरली जब ये फ्री रहते हैं जनजाति तो शैला नृत्य करते हैं मनोरंजन, फ्री टाइम में कर लेते हैं। जी सर। मंडला यहाँ के प्रमुख दो प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताइए, इतिहास से भी हो सकते हैं, वर्तमान से भी हो सकते हैं।
सर इतिहास की बात करूं तो पहला उदयचंद जैन जो है, श्री उदयचंद जैन, और वर्तमान में बात करूं सर तो माननीय सांसद जो है श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी, केंद्रीय मंत्री सर। क्या विभाग है इनके पास? सर केंद्रीय राज इस्पात विभाग और ग्रामीण विकास। कोई आयोग के भी दायित्व तो रहा है इनके पास? आयोग का दायित्व तो रहा है इनके पास? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। जी सर। तो इस ज्ञान का उपयोग आपने अपने तहसील या गृह जिले के लिए किस प्रकार से किया? कहीं कुछ किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग? जी सर, जैसे मेरी हॉबी है कृषि गतिविधि में पिताजी की मदद करना। गुड। तो सर कृषि के लिए मैंने तकनीकी को उससे जोड़ा है। जैसे कि सर अभी लेटेस्ट हम लोगों ने दो कृषि उपकरण लिए हैं, एक बेलर है और एक रॉक है, उसका उपयोग सर फसल अवशेष के प्रबंधन में कर रहे हैं सर हम लोग। आप अपने इस ज्ञान का उपयोग, जो फसल होती है उसके बाद बर्बाद हो जाती है बारिश में, जी सर, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किस तरह से उपयोग करके बचा सकते हैं उस फसल को? सर फसल बर्बाद होने के लिए, फसल तैयार हुई है तो उसे जल्दी से जल्दी हम हार्वेस्ट कर सकें, तो उसके लिए मशीनों का यूज कर सकते हैं। क्योंकि तो परंपरागत स्तर पर यह देखा जाता है कि यदि हाथ से कटाई की जा रही है फिर उसकी थ्रेसिंग कर रहे हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है सर। तो फसल तो पकने के बाद ही काटेंगे? जी सर। सर यहाँ मैं ये बताना चाह रहा था कि यदि मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो बहुत बड़े एरिया को हम कम समय में कवर कर सकते हैं सर, और उसका भंडारण सुरक्षित स्थान पे कर सकते हैं। और यदि मैनुअल पावर से हम कर रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा सर, कि पहले हम फसल काटेंगे फिर उसको इकट्ठा करेंगे फिर खलिहान में उसका परिवहन करेंगे फिर थ्रेसिंग करेंगे। तो खलिहान में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि फसल बर्बाद नहीं हो, पानी से भीगे नहीं, खराब नहीं हो काटी गई फसल? ये सर उसके लिए हमें सेट बनाना पड़ेगा सर। जी सर। ये कोई नहीं करता किसान, इतना भंडारण की व्यवस्था नहीं भारत में जितना उत्पादन होता है। जी सर। वेयर हाउस नहीं रखते अपने कि गोदाम नहीं उसमें रख सकते, नष्ट ज्यादा होता है अनाज। जी सर। और आपकी हॉबी भी है यही कि पापा को मदद करना कृषि कार्यों में? जी सर। किस तरह से मदद करते हैं आप, किन किन कार्यों में मदद कर देते हैं? सर वैसे तो मैं सभी कार्यों में मदद करता हूँ, पर मेरा विशेष योगदान तकनीकी को लेके या फिर नए खाद या बीज कुछ आ रहे हैं तो उसकी जानकारी उनको देना होता है। अच्छे बीज की क्या पहचान? सर अच्छे बीज की पहचान ये है कि सर उसको लगाने में एक तो उसमें बीमारी या रोग कम लगे, प्रोडक्शन ज्यादा हो और इनपुट कॉस्ट कम लगे। हमें पहचान क्या करोगे, देख के बताओगे कि ये अच्छा बीज है कि खराब है, कैसे पहचान करोगे अच्छे बीज? सर यदि देखने से उसकी भौतिक पहचान हो सकती है कि उसमें एक ही वेराइटी के बीज हों, कुछ अन्य तत्व ना मिले हों, टूट फूट ना हो। और सर ऐसे जानकारी तो हमें वो बीज उत्पादन जो कंपनी है उसके वो जो जानकारी देती है सर उससे हमें लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अपने खेत में फसल के अलावा अन्य तरीके से अपना कर आर्थिक स्थिति मजबूत करना, उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? सर इसके लिए ये है कि जो मेड़ पे पेड़ की योजना जो चल रही है और उसमें हम सर वृक्षारोपण को भी शामिल कर सकते हैं। कौन से वृक्ष लगाओगे? वृक्षारोपण कर दोगे तो क्या फायदा होगा उससे? सर जैसे एक पंजाब का एग्जाम्पल है, वहाँ पे किसानों ने जो है पॉपुलर ट्री लगाना स्टार्ट किया है। तो पॉपुलर ट्री लगाते हैं और बीच वाले एरिया में वो फसल भी लेते हैं, तो एक तो वो जल्दी ग्रो करता है और उसकी डिमांड सर पेपर इंडस्ट्री और माचिस उद्योग में है सर। अच्छा, आप फल वाले पौधे नहीं लगा सकते वहाँ? जी सर लगा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी क्योंकि उस जमीन का उपयोग तो होता नहीं कभी भी जीवन में। जी सर। मेड़ की जमीन उपयोग नहीं होती सर। और कौन से नवीन उपकरण टेक्नोलॉजी वाले आपने उपयोग किए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से? सर एक तो हैप्पी सीडर जो आ रहा है, तो हैप्पी सीडर के दो फायदे हैं सर, एक तो जो फसल अवशेष है उसको हटाना नहीं पड़ता जो अलग से कॉस्ट लगती है, और दूसरा सर कि जब हैप्पी सीडर से हम फसल की बुआई करते हैं तो फसल बोने के साथ साथ जो रेसिड्यू है वो एज अ मल्च उसमें हो जाता है, तो नमी की हानि कम होती है सर और पानी भी कम लगता है हम तो। ठीक सर। आनंद जी, यस, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि नर्मदा नदी पर रिवर क्रूज टूरिज्म को प्रारंभ करेंगे, है ना? जी सर। तो ये जो रिवर क्रूज टूरिज्म है इसके क्या उद्देश्य है, इससे हमें क्या लाभ है, मंडला को क्या लाभ है,
सर यदि इसके लाभ की बात करूं तो ये है कि परिवहन जो है, जो जली परिवहन है वो पर्यावरण के अनुकूल होता है और सबसे सस्ता माना जाता है सर। और दूसरा सर ये है कि वहाँ लोकल लेवल पे जो है पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं हम और रोजगार के साधन भी बढ़ सकते हैं सर। लेकिन श्रीमान जी मुद्दा ये है कि क्या नर्मदा नदी जल परिवहन के लायक है? कहीं पर चौड़ी, कहीं पर पतली, कहीं पर उथली, एक जैसी नदी नहीं है ये। जी सर। तो जल परिवहन संभव है नर्मदा पर? रिवर क्रूज टूरिज्म पॉसिबल है नर्मदा के ऊपर? सर जहां तक मेरी जानकारी है इस बारे में हमें आगे उसमें रिसर्च या स्टडी करने की। आप बताइए ना, आप तो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, नर्मदा किनारे नर्मदा पुत्र हैं आप। जी सर। सर यदि मेरे एरिया की बात करूं तो यदि हम मंडला से जबलपुर तक जाएंगे तो एक काफी एरिया हमें सम मिल जाएगा कि जहां पे नर्मदा रिवर पे क्रूज चल सकता है, पर कुछ कुछ एरिया ऐसे रहेंगे कि जहां हमें उसमें कुछ डेवलपमेंटल या फिर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे सर। तो संभव नहीं है नर्मदा नदी पर रिवर क्रूज टूरिज्म? सर उसको ये बोल सकते हैं कि कुछ स्पॉट हम ऐसे चुन सकते हैं कि जिनके बीच इसको किया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इससे लाभ मंडला जिले को क्या लाभ होगा? सर मंडला जिले की लाभ की बात करूं तो मंडला की जो लोकल ट्राइबल कल्चर है सर, उसको एज अ टूरिस्ट उसमें हम बढ़ा सकते हैं कि लोग आएंगे और क्रूज की वजह से जो है एक आकर्षण का केंद्र रहेगा वो, और नर्मदा रिवर की वजह से लोग आते ही हैं जो धार्मिक यात्री हैं, तो उससे फायदा होगा सर। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा वहाँ लोकल लेवल पर, रोजगार। अच्छा, आप कृषि गतिविधि में पिताजी की मदद करते हैं ना? जी सर। और क्या मुख्य फसल होती है आपके खेत में? सर खरीफ की बात करें तो धान है और मक्का, और रबी के सीजन में सर गेहूं, मटर है और चना। अच्छा, भारत सरकार मिलेट्स के ऊपर फोकस कर रही है। जी सर। है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मनाया जा रहा है। जी सर। तो आदिवासी क्षेत्र में मिलेट्स को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि परंपरागत कोदो कुटकी तो आदिवासियों के परंपरागत व्यंजन है। जी सर। अनाज है ना, इनको प्रमोट करें ज्यादा बेटर होगा। जी सर, इस ओर सरकार काम कर रही है। क्या काम कर रही है? हाल ही में जो है एमपी गवर्नमेंट ने जो है परंपरागत मिलेट उत्पादन के लिए एक योजना शुरू करी है, उसमें 80% जो है तकनीकी और आर्थिक सहायता दी जा रही है, बीज दिए जाएंगे उसमें और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा सर। और सही अन्न बोलते हैं इसको, है ना? जी सर। तो क्यों फोकस करना है मोटे अनाज पर इतना? सर मोटे अनाज के काफी सारे फायदे हैं। एक तो ये सर कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, कम मशक्कत में आसानी से उपजाए जा सकते हैं, कम पानी की जरूरत होती है और इसमें पोषण से भरपूर है सर, ये भरपूर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसके, है ना? कोदो पुटकी के बारे में बताएं, आपके क्षेत्र की महत्वपूर्ण उत्पाद है ये। सर ये दोनों खरीफ की फसल है और कोदो और कुटकी का उपयोग जो है खाने में खीर बना के यूज करते हैं। और फसल की बात करूं सर तो कोदो जो है थोड़ा सा उसका जो बीज है डार्क कलर का होगा, कुटकी थोड़ा लाइट कलर की होती है। गोल्ड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है ना? यस सर। क्या विशेषता है गोल्ड पेंटिंग की? सर गोल्ड पेंटिंग की विशेषता ये है कि जो उसका थीम जो रहता है सर वो प्रकृति से या फिर जनजाति जो उनके देवी देवता है उससे संबंधित होता है, और रेखीय निरूपण होता है सर इसमें, जिससे वो चित्र जो है चलायमान प्रतीत होते हैं। इसके कुछ कलाकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर काफी नाम कमाया है। जी सर। गोल्ड पेंटिंग के जी उनको पद्मश्री भी मिला शायद, है ना? जी सर। हैं कुछ ऐसे कलाकार? यस सर, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम है जिनको पिछले साल पद्मश्री मिला है, और भज्जू सिंह श्याम है, धनगढ़ श्याम जी है, और एक जोधैया बाई बैगा भी हैं। जी सर। है ना सर, वो बैगा पेंटिंग करती है। बैगा पेंटिंग करती है। चलिए ठीक है, थैंक यू।